चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट DIY की तरफ, जहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है उसको हाफ सर्कल में कट कर दिया है। 4 हाफ हैं और 4 फुल सर्कल हैं। क्योंकि ये कार्डबोर्ड बहुत ही पतला है इसलिए मैं इसको दो दो कट कर रही हूँ, दोनों को स्टिक कर दूँगी थोड़ा सा स्टडी करने के लिए। आपके पास मोटा कार्डबोर्ड हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, आपको सब सिंपल एक एक ही चाहिए होगा। तो फिलहाल मैंने दोनों को एक साथ पेस्ट कर दिया है, अब थोड़ा सा ये थिक हो गया है, स्टडी हो गया है। अब चलिए इसको कवर करते हैं हम रेड वेलवेट के कपड़े से, क्योंकि मेरी रेड थीम है एक्चुअली फेस्टिवल्स में, मुझे रेड अच्छा लगता है, मैं रेड ही सब कुछ बना रही हूँ। तो मैंने वेलवेट का यूज़ किया है, कॉर्नर कॉर्नर में फेविकोल लगाए हैं ताकि फ्रंट में ना वो चिपका चिपका सा कपड़ा नहीं आता, इसलिए मैंने सिर्फ कॉर्नर्स में लगाया है। आपके पास जो भी कपड़ा हो, जो भी मटेरियल हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो। देन सर्कल को भी मैंने कट करके और यहाँ पे ग्लू गन से मैंने स्टिक कर दिया है, क्योंकि कपड़ा मोटा है इसलिए ग्लू गन का ही यहाँ पे काम चलेगा। फाइनली हमारे बेस बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने गोटे का यूज़ किया है, अगेन फेस्टिवल में दिवाली के DIY में स्पेशली गोटा मुझे बहुत पसंद है, तो गोटे को भी मैंने कुछ इस तरीके से इसमें लपेट दिया है और ये हमारा अगेन एक बेस बन के तैयार हो गया है। तो गोटे को भी मैंने लपेट दिया है फेविकोल लगा करके। तो जहाँ पे ग्लू गन का यूज़ होता है ग्लू गन का यूज़ कर लीजिए, जहाँ पे फेविकोल का यूज़ होता है फेविकोल का यूज़ कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से एक बेस बन गया है हमारे DIY का। अब यहाँ पे मेरे पास गोटे के फ्लावर रखे हुए हैं जिसको मैंने अगेन ग्लू गन से ही स्टिक कर दिया है। आप चाहो तो सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ी हैंगिंग वगैरह लगा सकते हो, मैंने सिंपल ही ऐसे लगाया हुआ है। अब बैग में मैंने हैंगिंग के लिए अगेन गोटे लगाए हुए हैं और इसकी DIY के बैग को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर का यूज़ किया है जो कि अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बैग को भी इसके अगेन पूरा ढक दिया है ताकि भाई पता ना चले हमने कैसे बनाया अपना DIY। टेंटन। अब बारी है हमें कुछ अटरम पटरम चटरम लगाने की, यानी कि कुछ भी आपके पास रखा हो, जो भी रखा हो, बस फटाफट से लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। मोती है, बीड्स है, जो भी आप चाहो लगा सकते हो। यहाँ पर ये मेरे पास गोटे की बीड है तो उसको मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है ग्लू गन से ही। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा पेस बन के तैयार हो गया है। अब ये मेरे पास रखे हैं बहुत ही प्यारे से सुंदर से शुभ लाभ जिसको मैं यहाँ पे स्टिक करने वाली हूँ। आप चाहो तो स्वास्तिक लगा सकते हो, अगर आपको हमेशा किसी को देना है, गिफ्ट करना है ना, तो स्वास्तिक भी लगा सकते हो, ओम भी लिख सकते हो। और अगर आपके पास स्टिकर ना हो तो आप बीड्स का यूज़ कर सकते हो, स्टोन्स का यूज़ करके आप लिख सकते हो। आई एम श्योर आपको ये वाला DIY बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कॉमेंट एंड लाइक तो भाई ज़रूर करिएगा। भाई जल्दी चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने वुड का पीस लिया है। आपके पास कार्डबोर्ड हो उसका यूज़ कर सकते हो, मेरे पर वुड का पीस था मैंने यूज़ किया है। अगेन मैंने रेड वेलवेट को ही इसे कवर कर दिया है क्योंकि भाई मेरी रेड वेलवेट की थीम है। आपके पास आपकी जो भी थीम हो, येलो है, पिंक है, वाइट है, वाइट नहीं भाई, वाइट नहीं अच्छा लगेगा, येलो, पिंक, ब्लू, कोई सा भी कलर अच्छा लगता है, बस उसमें थोड़ी चमक धमक होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मैंने गोटा लगा लिया है, इस तरीके से मैंने लेस लगा ली है, जैसा जैसा आप देख सकते हो वैसा वैसा आप भी कर लेना। स्टोन्स वगैरह से मैंने इसको यहाँ पर डेकोरेट कर दिया है बहुत अच्छे से, फेविकोल से डेकोरेट हो गया है। तो ये वाला DIY मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, मुझे जितना भी मैं बना रही हूँ ना, मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं जो मैं बना रही हूँ। मैंने सारा कुछ डेकोरेट कर दिया है, आप देखते जाइए एंड वैसे वैसे फॉलो करते जाइए। अगर आपने इनमें से कोई भी DIY आप बना रहे हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना अपनी फ़ोटोज़ को एंड फीडबैक भी ज़रूर देना। और कुछ भी परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो बातों बातों में हमारा ये भी DIY बन के रेडी हो गया ऑलमोस्ट। और ये जो आप लटकने देख रहे हो ना, ये जो बीट्स आप देख रहे हो, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप लोग जाके देख लेना कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो इस तरीके से मैंने कुछ हैंगिंग्स बना दी हैं और यहाँ मैं इसके बैक साइड में ग्लू गन से स्टिक कर दूँगी। एंड अगेन मैंने इसको जो उसका बैक है, मैं अगेन
पेपर से ही इसको कवर कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला DIY भी ऑलमोस्ट बन के रेडी होने वाला है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ हैंगिंग्स वगैरह भी बनाई है। देखिए आपके पास जो भी ज़रूरी नहीं है, जो मेरे पास सामान हो आप उसका यूज़ करो, आपके पास जो भी रखा हो, पुरानी झालर वगैरह रखी हो, पुरानी हैंगिंग्स रखी हो, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, उसकी बीड्स वगैरह निकाल लो अगर सही सलामत स्थिति में है। तो यहाँ पे मैं हैंगिंग बना रही हूँ, फटाफट से बनाती जा रही हूँ। भाई रात हो गई थी मुझे बनाते बनाते इन सब DIY को, थोड़ा टाइम तो लगता ही है DIY बनाने में। हैंगिंग बन के रेडी हो गई है, इसको अगेन मैं ग्लू गन से स्टिक कर दूंगी। देखिए मेरे पास मोती थोड़ी कम थी तो इसमें मैंने कम मोतियों का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर ज़्यादा मोती है ना तो हैंगिंग जो है ना पूरी मोतियों से बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। या जो भी आपके पास हैंगिंग के लिए सामान हो ना उसका यूज़ कर लीजिएगा। तो ये हैंगिंग बन के तैयार हो गई है। अब मेरे पास रखा है अगेन बहुत ही सुंदर सा शुभ लाभ का ये वाला स्टिकर, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मुझे इतना पसंद आया, मैं मार्केट गई, मुझे अच्छा लगा, मैंने बाय कर लिया। मैंने कहा इसका तो मुझे बनाना ही बनाना है, तो इसको भी मैंने अच्छे से स्टिक कर लिया है। बताइएगा ये वाला DIY आप लोगों को कैसा लगा, ये वाला हैंगिंग आप लोगों को कैसा लगा होगा। आई एम वेरी मच श्योर कि ये वाला भी DIY आप लोगों को बहुत ही सुंदर लग रहा होगा, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसको भी इंजॉय करिए एंड चलिए नेक्स्ट DIY की तरफ। अब देखिए ये जो DIY है इसके लिए मैंने सर्कल कट कर लिया है, दो पतले पतले सर्कल, बहुत मोटा कार्डबोर्ड नहीं लीजिएगा, बीच वाला भी इसको रखना है, ठीक है। तो आपके पास जो भी गोटा हो, लेस हो, फटाफट से इसको लपेट दीजिए और बढ़िया से हमारा ये सर्कल बन के रेडी हो गया है। अब जो बीच वाला सर्कल है उसको क्या करना है, हल्का सा इसको आपको छोटा करना है, बहुत हल्का सा छोटा करना है। क्यों करना है वो अभी आगे आप जान ही जाओगे भाई। तो बहुत हल्का हल्का सा इसको हमको छाट देना है साइड से, बहुत ही हल्का हल्का सा। उसके बाद हम इसको अगेन रेड वेलवेट की थीम यानी कि रेड कपड़े से ही इसको हम कवर करने वाले हैं। तो दोनों सर्कल को कवर कर लिया। अभी बताती हूँ उसको मैंने थोड़ा छोटा क्यों करवाया था, क्योंकि हमको इस सर्कल को इस सर्कल के बीच में पेस्ट करना है, क्योंकि गोटा और कपड़े लग जाते ना तो थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, इसलिए मैंने हल्का हल्का सा कट करवाया है। ग्लू गन से हमने स्टिक कर दिया है, ये लीजिए स्टिक करके भी आ गया है। अब आपके पास ये जो चूड़ियाँ मैंने बनाई थी लास्ट वीडियो में उसका वीडियो है, तो रेड ग्रीन जो भी आपको अच्छी लगे वो चूड़ियों से हमने इसको लगा दिया है यानी कि पेस्ट कर दिया है। अभी इसी DIY में आपको दो DIY बताती हूँ कि कैसे बनने वाले हैं। यहाँ पे कुछ मिरर्स हैं, फ्लावर्स हैं, बीड्स हैं, स्टोन्स हैं, किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर दीजिएगा। जितनी भी आपकी मन की भड़ास है ना, मतलब जितना भी मन में आपके उथल पुथल चल रहा है ना, सब इसमें लगा दीजिए, इन द सेंस अच्छे वे में, जो भी आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हो ना फटाफट से इसमें सब कुछ लगा दीजिए। अब यहाँ पे रखी हुई थी मेरे पास कौड़ियाँ, उसको भी मैंने लगा दिया है। अब देखिए मैं दो चीज़ बताती हूँ, इससे आपका बहुत ही सुंदर सा टी लाइट होल्डर बन के तैयार हो गया है भाई। फिर नेक्स्ट ईयर में बताती हूँ कि इससे क्या बनने वाला है। चलिए देख लिया ना टी लाइट होल्डर, अब फटाफट से आ जाइए। तो इसको मैंने बैक में अगेन हैंगिंग लगा दी है ऊपर, आप चाहे स्टिक कर सकते हो चाहे आप हैंगिंग लगा सकते हो, मतलब हैंग करने के लिए। और इसके नीचे हैंग करने के लिए मैंने एक और हैंगिंग बनाई है। भाई कितना हैंगिंग हो गया है, लेकिन बहुत सारी हैंगिंग है, ठीक है। तो छोटी बड़ी करके मैंने दो हैंगिंग लगा दी हैं और इसको अगेन स्टिक कर दिया है। अगेन इसके बैक को हमने पेपर से कवर कर दिया है ताकि पता ना चले भाई हमने इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ पे हमारे दो हैंगिंग बन के तैयार हो गए हैं। कितना हैंगिंग हो रहा है भाई, चले दो हैंगिंग। अब ये शुभ लाभ मेरे पास रखा नहीं हुआ था भाई, मैं क्यों कहूँ रखा हुआ है, मैं लेके आई हूँ मार्केट से जा कर के और मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको भी ले लिया है और इसको स्टिक कर दिया है ग्लू गन से। अब बताइएगा ये मल्टीपर्पज़ DIY है, मतलब एक में दो DIY बन के तैयार हो गए हैं।
आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।